ट्रिग्नोमेट्री। वैसे अगर मैं ये थोड़े से वर्ड को बताऊं ना, ये कैसे बना है, ट्राइंगल्स प्लस मेजरमेंट। ट्राइंगल की मेजरमेंट को करने के लिए एक नए टूल को बनाया गया जिसको बोला गया ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स की मेजरमेंट्स के लिए। एक्चुअली ये फील्ड में बहुत काम आता है, प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग में बहुत काम का टूल है, बहुत काम की चीज है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा, इसलिए मैं कहता हूं टाइम के साथ ना हर चीज सीख जाओगे। विद टाइम आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप आज ही कोशिश मत करो कि सब कुछ सीखना है, नहीं, विद टाइम सीखो। जो यहां पे आप पढ़ाई खत्म करके जाओगे ना, खासकर मैथमेटिक्स, वहीं से आप इंजीनियरिंग में स्टार्ट करोगे। बात समझ रहे हो ना, प्लस वन प्लस टू की मैथ वो पहले 2 दिनों में करवा देते हैं इंजीनियरिंग में, रिविजन के तौर पर। आपसे क्वेश्चन दे देंगे, 500 क्वेश्चन भी करके ले आना, असाइनमेंट दे देना, हो गया। फिर वो नई मैथमेटिक्स शुरू होगी, मतलब उसके आगे की, 3D, 3 dimensions में। अभी तो मैथ को 2D में पढ़ते हैं, वेक्टर्स को आप 2D में पढ़ते हो, ज्योमेट्री को आप 2D में पढ़ते हो, वहां पे 3D में चलती है। इंटीग्रेशन आप 1D पढ़ते हो, 2D नहीं आती, 2D आएगी वहां पे, 3D भी आएगी वहां पे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत हायर लेवल का आएगा, मतलब बहुत मजा आता है। और तब आएगा मजा जब यहां पे कुछ करके जाओगे, जब यहीं पे डेड हो गए फिर तो दिक्कत ही है। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो एंगल होता है जी, जो एंगल होता है उसको मेजर करने का तरीका, उसको मेजर करने का वे, उसको मेजर करने के यूनिट्स। आज तक तो छोटे बच्चे हम सारे डिग्री में करते आए हैं कि एंगल को डिग्री में मेजर करना है। ज्यादा से ज्यादा किसी को ये भी पता था कि एक, अगर मान लो मेरे पास एंगल है 30 degrees 60 minutes 50 seconds, इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि हमें पता था कि 1 degree में 60 minutes होते हैं और 1 minute में 60 seconds होते हैं। ये भी सबको क्लियर था थोड़ा बहुत, अगर नहीं था तो पता लग गया। उसके बाद हमें दिखा कि एंगल को मेजर तो हम रेडियन में भी कर सकते हैं। रेडियन जो हमारे नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, कैसे? 180 degrees में पाई रेडियन होते हैं। ये पाई कुछ नहीं, हमारे नंबर वाला पाई 3.14, जो नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं 3.14। इसी से हमने सीखा कि पाई बाय 2 रेडियन जाने की 90 degrees के इक्विवेलेंट। इसी से हमने सीखा कि पाई बाय 6 रेडियन का मजाने की 30 degrees के इक्विवेलेंट। इसी से हमने सीखा कि पाई बाय 3 रेडियन का इक्विवेलेंट 60 degrees। इसी से हमने सीखा पाई बाय 4 रेडियन का इक्विवेलेंट 45 degrees। समझ रहे हो ना? इसी से हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल। मान लो ये किसी सर्कल का सेक्टर दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस है, इनमें जो रिलेशन होल्ड करता है तो थीटा एल बाय आर होता है। और जो ये थीटा आता है किसमें आता है बच्चों? रेडियन, रेडियन, रेडियन में आता है। जो भी ये एंगल आएगा रेडियन में आएगा। अच्छा, फिर एक ग्रेड्स को भी मेजर, ग्रेड्स में एंगल को कैसे मेजर करते हैं ये भी हमने देखा ग्रेड्स में। इसके लिए रिलेशन क्या था? 100 ग्रेड पाई रेडियन के इक्वल होता है। Am I right? Yes, sir. Yes. Pi by 2 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। फिर हमने देखा कि भाई सबको एक अगर रिलेशन में बांटना हो, जो इस चैप्टर की पूरी कड़ी है, वो क्या थी? कहते हो मंदिर सिंह? यस सर। एक बार में मैंने क्या पूछा, रिलेशन क्या है? डी बाय 90 इक्वल जी बाय 100 इक्वल्स टू आर बाय 5। समझ रहे हो ना? कोई एक मेजर सिस्टम में आपको एंगल दिया होगा, मान लो ग्रेड में दिया है 500 ग्रेड, डी निकालना है डिग्री में वो आ जाएगा, आर निकालना है आर में वो आ जाएगा। आर का मतलब कि 500 ग्रेड रेडियन में कितने होंगे, टी का मतलब 500 ग्रेड डिग्री में कितने होंगे। सीधी सी बात है, इस पे हम ये काम, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको कहा था आईआईटी जेई में आया है, अगर उसको हर रोज किसी ने पढ़ा होगा तो शायद हो गया हो, हर रोज किसी ने पढ़ा होगा वह सर्कल वाला। यस सर। ठीक है,
इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि वो ना हुआ हो, कोई बात नहीं, काफी सभी से नहीं होता। उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट वन। उस और ऑरली हो जाएगा, ऑरली क्वेश्चन समझने की देरी है। और देखना कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, ऑरली कर देंगे। पर पहले मैं क्वेश्चन लिखूं बड़ा सारा, ये भी दिक्कत है ना यार। क्वेश्चन है वैसे सबके पास? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा चलो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर भी फर्ज बनता है। सारे लिखेंगे ध्यान से अच्छे से, चार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कम से कम। फॉर ईच नेचुरल नंबर, फॉर ईच नेचुरल नंबर के, लेट सी के डिनोट द सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर्स एंड सेंटर एट ओरिजन। पहले ये लाइन लिखो, पहले ये लाइन लिखो, इस लाइन को समझते हैं, बाकी तो सब बाद की बातें हैं। मैं इस लाइन का मतलब समझाता हूं। कहते हर नेचुरल नंबर, मतलब के वन के लिए, सी वन का मतलब क्या होगा, सी वन का मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस वन है, और उसका रेडियस वन है, मतलब ये 1.0 पे काटेगा, ये 0.1 पे काटेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे -1.0, 0.-1, वैसी मार्किंग्स करके दिखाई आपको। देखो, फॉर ईच नेचुरल नंबर के, लेट सी के डिनोट्स द सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर्स सेंटर एट ओरिजन। बात समझ गए ना। ऐसे ही के इक्वल्स टू 2 के लिए, सी 2 का मतलब क्या बन जाएगा फिर, एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका ओरिजन, जो सेंटर है वो ओरिजन ही है और उसका रेडियस कितने, 2। क्या ये बात समझ रहे हो, ये सी टू सर्कल है हमारा और ये पॉइंट्स कितने कितने होंगे, 2.0, 0.2, -2.0, 0.-2, समझ गए ना। ऐसे ही k इक्वल्स टू 3 के लिए, सी 3 का मतलब क्या होगा बच्चों, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे ही है और उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो ना। Yes, तो ऐसे बना देता हूं, देखो सही है ना, फील आ रहा होगा थोड़ा yes, थोड़ा पूरा। Yes. ये 3.0 पे, 0.3 पे, -3.0 पे, 0.-3 पे, ऐसे चल रहा है, सो ऑन। बात तो समझ गई इतनी, ये सबको समझ आ गया। Anyone? Yes. Yes, sir. अब अगली लाइन लिखते हैं क्वेश्चन की, है ना। देखना क्या है क्वेश्चन कहता है, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल सी के, सी के पैर में के अ पार्टिकल, अ पार्टिकल moves k centimeters in the counterclockwise। अच्छा, अब तो सबसे पहले बेसिक सी बात, भाई काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। कई लोग इसको एंटी मतलब काउंटर भी शब्द यूज कर लेते हैं, वैसे कॉमन वर्ड है एंटी क्लॉकवाइज बोलना, काउंटर क्लॉकवाइज थोड़े से जैसे वो अंग्रेजी का फर्क है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ भाई, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। कहते ऑन द सर्कल सी के अ पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लो पहला सर्कल है, पहले सर्कल पे क्या हुआ होगा कि जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज चला
कितने सेंटीमीटर चला पहले सर्कल के ऊपर? दूसरे सर्कल पे अगर पार्टिकल है दूसरे सर्कल के ऊपर तो वो एंटी क्लॉकवाइज चला इस डायरेक्शन में, कितने सेंटीमीटर चला? दो सेंटीमीटर। अगर वो तीसरे सर्कल के ऊपर है तो वो कितने सेंटीमीटर चला? अगली लाइन लिखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन इट्स मोशन ऑन सी के पैर में के, द पार्टिकल मूव्स ऑन सी के पैर में के प्लस वन, पार्टिकल मूव्स ऑन सी के पैर में के प्लस वन इन रेडिकल डायरेक्शन। इस लाइन का मतलब समझते हैं, इन रेडिकल डायरेक्शन। अब दूसरी और तीसरी लाइन को क्लब करके सोचो। कहते हैं वो पहले सर्कल पे था, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो पहले वो एक सेंटीमीटर चला, फिर जो रेडिकल डायरेक्शन थी ना उसमें, मतलब रेडियस इज वाली डायरेक्शन, ये सारी रेडिकल डायरेक्शन है, बहुत सारी डायरेक्शन होंगी रेडिकल। जैसे भी, अब चलो दोबारा ड्राइंग बनाऊं क्या, जैसे मान लो ये है, मान लो वो यहां से शुरू हुआ, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अभी क्वेश्चन ने कुछ मैंने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ, पढ़ाऊंगा आपको। यहां से शुरू हुआ, ये एक सेंटीमीटर का रेडियस था, यहां से वो कुछ एक सेंटीमीटर चला मान लो यहां तक पहुंचेगा एक सेंटीमीटर चल के, फिर जो रेडिकल डायरेक्शन होगी ना, रेडिकल डायरेक्शन जहां पे भी पहुंचा, ये रेडियस की डायरेक्शन ये है, तो अगले सर्कल की तरफ बढ़ गया, फिर वो इस डायरेक्शन में जाने के बाद यहां पे पहुंच गया दूसरे सर्कल पे, फिर यहां पे 2 सेंटीमीटर चला, फिर यहां पे जो रेडिकल डायरेक्शन होगी ऐसे तीसरा सर्कल होगा, फिर इसके ऊपर पहुंच गया, फिर यहां से 3 सेंटीमीटर चला, समझ रहे हो ना, फिर यहां पे भी कोई रेडिकल डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन समझ आ रही है, रेडिकल रेडियस इज के अलोंग। यस सर। रेडियस इसके अलोंग चलने के बाद फिर वो चौथे सर्कल पे आ गया, ऐसे क्या फील कर पाए, फिर चौथे पे चला एंटी क्लॉकवाइज 4। देखो अब पार्टिकल का मोशन देखो कैसे है, ध्यान से बेटा, मान लो यहां पे खड़ा था 1,0 पे, सबसे पहले सर्कल पे 1 सेंटीमीटर चला, रेडिकल डायरेक्शन की तरफ मूव किया, फिर 2 सेंटीमीटर चला दूसरे सर्कल पे, रेडिकल डायरेक्शन की तरफ मूव किया, सॉरी तीसरे सर्कल पे 3 सेंटीमीटर चला, रेडिकल डायरेक्शन की तरफ मूव किया, चौथे सर्कल पे 4 सेंटीमीटर चला, रेडिकल डायरेक्शन की तरफ मूव किया। क्या ये समझ आ रहा है? यस यस सर। यस सर। यस सर। मोशन पार्टिकल का? यस यस। वेरी गुड। अच्छा अब अगली लाइन लिखते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1,0। वही बात आ गई, इन्होंने लिख दिया कि पार्टिकल कहां से शुरू हुआ था, देखो पार्टिकल यहां से शुरू हुआ था 1,0 से। उसके बाद इफ द पार्टिकल क्रॉस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर फर्स्ट टाइम ऑन द सर्कल सी के पैर में एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इस लाइन का मतलब आप खुद समझोगे, इसलिए मैंने ब्लू पेन से लिखा। इस लाइन का मतलब आपको खुद समझना है। अब कम ऑन गाइस, जल्दी करो, पढ़ते समय अपने पास 1% भी एनर्जी रखना ही सबसे गलत बात है।
अब देखते हैं, चलो अगर नहीं पता लगा, वैसे लगना चाहिए था, लग गया सबको, गुड। द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1.0। अब थोड़े सर्कल्स बनाता हूं मैं पहले, देखो मैं तो फील करवाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को बनाने मतलब पेपर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल ब्यूटी क्या है मैथमेटिक्स की, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, सारे बच्चे जल्दी सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ो। फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट्स अ सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर। जल्दी 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 सारा पढ़ो। ये C1 सर्कल है, C2 सर्कल है, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है। देखो मैंने नंबरिंग कर दिया सर्कल्स पे, सारे सर्कल्स का जो सेंटर है वो 0-0 ही है। पहले पार्टिकल यहाँ पे है, इसका रेडियस 1.0, तो ये एक्स एक्सिस को 1.0 पे काटेगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, पार्टिकल यहां पे खड़ा है सबसे पहले इस जगह पे, ठीक है बेटा। उसके बाद पार्टिकल 1 सेंटीमीटर चला, 1 सेंटीमीटर पार्टिकल 1 सेंटीमीटर चला, फिर चलने के बाद उसने रेडिकल डायरेक्शन में मूव किया दूसरे सर्कल पे, वो 2 सेंटीमीटर चला, ठीक है। फिर वो रेडिकल डायरेक्शन में मूव किया तीसरे सर्कल पे, वो 3 सेंटीमीटर चला। फिर वो रेडिकल डायरेक्शन में मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है हर बार, 4 सेंटीमीटर चला। फिर वो रेडिकल डायरेक्शन में मूव किया पांचवें सर्कल पे, 5 सेंटीमीटर चला। ऐसे उसका मोशन हो रहा है, क्या मोशन समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है, पार्टिकल कैसे चल रहा है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इन्होंने क्या पूछा, कहते ये ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को जब काटेगा तो ये कौन से सर्कल के ऊपर होगा? मान लो ये 6वें सर्कल पे पॉजिटिव डायरेक्शन को काटेगा पहली बार, बहुत बार काटेगा वैसे तो, पहली बार जब काटेगा तो कौन से सर्कल पे होगा? अब कर करके के तो देखेंगे नहीं। देखो कैसे सोचेंगे, इसको सोच के देखो, हर बार ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, हर बार 100 रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, क्योंकि जो सर अगर ये पहले सर्कल के ऊपर था तो ये 1 सेंटीमीटर ही चल रहा था, तो ऑब्वियसली सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बना रहा था। ये बात समझ रहे हो सारे? यस सर यस सर। अच्छा अब मुझे पता है, इसको यहां से देखना दोबारा, इसको यहां से यहां तक चलने के लिए कितना रेडियन बनाना चाहिए सेंटर पे टोटल? कम से कम 2 पाई रेडियन। बात समझ रहे हो? 2 पाई का एप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 6.28, 2 × 3.14। यस सर। यस और नो? यस यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब बात को समझो, 6.28 रेडियन एंगल है, हर सर्कल पे 1 रेडियन बना रहा है। पहले सर्कल पे था तो 1 रेडियन बन गया, दूसरे पे 1 रेडियन और बन गया, मतलब टोटल 2 हो गया, मतलब टोटल तो 2 हो गया ना ये वाला। तीसरे पे 1 रेडियन और ऐड हो गया, टोटल 4 हो गया। हमें टोटल कितना बनाना है? कम से कम 6.28। अब जब वो 6th सर्कल पे होगा, सोच के देखो, जब वो 6th सर्कल पे होगा ऐसे, तभी भी वो कितना बना होगा नेट? 6 रेडियन। यहां से लेके यहां तक का 6 रेडियन बना होगा टोटल। अब जब वो 7वें सर्कल पे जाएगा रेडिकल डायरेक्शन में जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं क्रॉस कर देगा, क्योंकि 7वें सर्कल पे उसका 7 रेडियन हो जाएगा,
हमें चाहिए था 6.28, सातवें पे ही क्रॉस करेगा ना पहली बार पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को. यस क्या समझ आया कि नहीं? यस आंसर आ गया 7. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे बेसिक्स, मैं तो कह रहा हूं बेसिक्स लगते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं. जब आपका दिमाग आपके साथ होता है, और सबके पास दिमाग होता है, पेशेंस सबके पास नहीं होती है. बस पेशेंस, पढ़ाई हमें सिर्फ पेशेंस ही सिखाती है, समझना सबर के साथ, और फिर उसको पेशेंस को अपने पास रखना भी. कई बार चीजें क्लास में समझ आती हैं, कई बार नहीं आती, कई बार क्वेश्चन पहली बार में हो जाता है, कई बार नहीं होता. इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्या क्वेश्चन करते समय आपने अपना 100% दिया. 100% का मीन, आई मीन्स टू से कि जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, हमारी अंदर वाला ब्लड तक पिक्चर देख रहा होता है जब हम थिएटर में बैठ के या टीवी पे पिक्चर देख रहे होते हैं, कुछ भूल ही जाते हैं दुनिया में कोई एग्जिस्ट भी करता है, मम्मा कौन पापा कौन. ऐसे क्या पिक्चर देख के कभी किसी को लगा कि यार समझ नहीं आई यार पिक्चर ना, मतलब बोरिंग तो एक अलग बात है कि मतलब पिक्चर बड़ी मुश्किल थी, मुश्किल पिक्चर है, 3-4 के क्वेश्चन बड़े मुश्किल है, ऐसा तो कभी नहीं लगा होगा पिक्चर देख के. पिक्चर देख के हमेशा फ्रेश फील हुआ है, और जब तक आपको पढ़ के फ्रेश फील नहीं होगा, आप समझ लेना आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो. सही डायरेक्शन में तभी पढ़ पाओगे जब पढ़ते समय आपको लगे कि हम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं. हाँ, जब हम 8-9 पिक्चर्स इकट्ठी देख लेते हैं तो शायद थोड़ा थक जाएं, पढ़ने के बाद शायद थोड़ी फटीग महसूस हो, वो भी 8-9 घंटे पढ़ने के बाद. अब ऐसे नहीं है 1 घंटा पढ़ने के बाद थक गए, हमें तो पावर नैप चाहिए, या फिर आपने 3 क्लासेस लगाई 6 घंटे की, थक गए, तो बकवास बात है. मतलब आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, मजा नहीं कर रहे. जिस दिन आप पढ़ने में ऐसे पढ़ोगे कि आपको मजा आए, उस दिन तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की. क्या ये बात समझ आया सबको? यस सर. जिसको आ गया वो चैट बॉक्स में लिखो, जिसको नहीं आया वो बोलो. मुझे सबके मैसेज आएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, जिसको नहीं आया तो बताओ बोल के, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सारा, इसमें कोई शक ही नहीं है. निकिता तुम्हारा मैसेज नहीं आया है, पलिका, पूर्णिका, श्रेया कर दिया आया नहीं मेरे तक कभी. इतना टाइम लगता क्या उसको? ईशा तुम्हें समझ आया? अक्षय सिंगला, इशिता, कौशिक, खुशी, लक्की, पीयूष, श्रेया, स्नेहा, वंश बंसल. yes, समझ आया कि नहीं आया बेटा? जयंत सिंह खन्ना, इशिता yes, बताओ बेटा कहाँ से रिपीट करूं, मतलब क्या क्या चीजें तुम्हें लगता है कि सर? कोई बात नहीं, खुल के बताओ, जस्ट बी क्लियर एंड फ्रैंकली, डरने वाली बात नहीं. ये क्वेश्चन पढ़ा तुमने एक बार, फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट्स द सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर. ठीक है yes, sir.
एंड सेंटर एट ओरिजिन, ये बात क्लियर है? ये वाली yes, sir. अच्छा, अब पार्टिकल क्या करता है? 1.0 से शुरू होता है, देखना, 1.0 से पार्टिकल एक्स एक्सिस पे खड़ा है 1.0 पे, मतलब एक तरह से C1 सर्कल के ऊपर खड़ा है। फिर वो 1 सेंटीमीटर चला काउंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ऐसे को, ठीक बेटा। रेडिकल डायरेक्शन में कंफ्यूज हो क्या? रेडिकल डायरेक्शन क्या होती है? सर रेडियस वाली। हाँ रेडियस वाली, ये रेडियस ही यहाँ बहुत सारी होती है, रेडियस वाली, ये वाली सारी रेडिकल डायरेक्शन हैं बेटा, समझ रही हो ना? वेरी गुड। तो इसमें चला, फिर दूसरे सर्कल पे पहुंचा और वहां पे 2 सेंटीमीटर चला, ये समझ गई? yes, फिर रेडिकल डायरेक्शन से फिर चला, फिर 30 सेंटीमीटर पहुंच गया, मतलब तीसरे सर्कल पे 3 सेंटीमीटर चला। okay, फिर चौथे सर्कल पे पहुंचा, 4 सेंटीमीटर चला। हर बार जब वो जा रहा है, हर सर्कल पे एक एक रेडियन एंगल जोड़ रहा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है एक एक रेडियन एंगल? yes, एक एक एक, फिर इस पे चला होगा ऐसे एक, समझ रही हो ना, ये ऐसे करके। yes, फिर ये इस पे आया और फिर एक रेडियन चला, हर बार एक एक जुड़ रहा था। 6 सर्कल्स में उसने 6 रेडियन एंगल जोड़ लिया होगा पूरा, यहां से लेके यहां तक, ऐसे यहां से यहां तक। अब हमें एंगल कितना चाहिए था यहां से यहां तक? 6.28 कम से कम, तभी वो इसको क्रॉस कर पाएगा ना। yes, अब 6th सर्कल पे होगा तब नेट एंगल, जब 6th सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो पूरा 6 रेडियन एंगल कवर हुआ अभी तक, यहां से यहां तक। अब जब 7th सर्कल पे होगा, 1 रेडियन और कवर करेगा 7th सर्कल पे। yes, तो 7th सर्कल पे होगा कहीं ना, तब कहीं कभी ना कभी काटेगा ना वो। yes, पॉजिटिव, बस ये कुछ 7 आंसर आ गया। इन्होंने पूछा भी वही हुआ था कि वो कौन से सर्कल पे मूव कर रहा होगा जब वो पहली बार पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को काटेगा। बताओ बेटा। yes, sir, आगे समझ। वेरी गुड, तुम खुल के पूछा करो, ठीक है, इसमें कोई डर डरने वाली या घबराने वाली तो बात ही नहीं है। अगर अभी मैं ना पूछता तो हम तो आगे बढ़ गए थे, तुम्हारा तो नुकसान हो गया। क्या बेटा समझ आता है आपको क्लास में? yes, पक्की बात है? yes, ठीक, हरिओम। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब आप लोग ये बताएं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर है आरडी शर्मा में से, मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो जब मैं आरडी डिस्कस कर दूंगा तो एलडीए तो ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे, और आरडी शर्मा कोई डिस्कस करता नहीं है बेटा प्लस वन की ट्रिग्नों की, मैं आपको बता रहा हूं, टफेस्ट से टफेस्ट, इसके ऊपर सिर्फ एसएल लोनी की बुक है, और वो अभी ये रिकमेंडेड नहीं है किसी को भी करने के लिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर खोलो और डाउट्स पूछो जिसके जितने हैं, चाहे सारा चैप्टर ही डाउट है, मैं एक एक क्वेश्चन कर दूंगा, बट ईमानदारी से। दिव्यांश सिंगला, तूने छोड़ दिया पढ़ना, आया हुआ आज आरडी में 17? मेरे ना बेटा आरडी है जब मैं पढ़ता था छोटा सा, है तो बहुत पुरानी, बट क्वेश्चन इसमें सारे मिल जाएंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन तो बोल, मतलब एक दो लाइन। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट व्हिच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। ठीक है, मेरी बुक में क्वेश्चन है 31 मिनट वाला, 2 मिनट, ये 7, हाँ है बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे कंसेप्ट पे बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट पे, रियली गुड वन,
क्योंकि इसकी ड्रॉइंग ही नहीं बनती है हमसे। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब सारे यहाँ पे ध्यान देंगे, बुक में कोई ध्यान नहीं देगा कि बुक में ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह कहाँ पे क्वेश्चन है, कहाँ पे क्वेश्चन है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो क्यों ढूंढना, फाइंड द डिस्टेंस, सारे लिखो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डाया should be held so as to conceal, मतलब बनाना, conceal, अब मैथमेटिक्स में इसका मतलब बन रहा है बनाना, conceal the full moon, मतलब उसको कवर कर देगा फुल मून को, whose angular diameter is 31 मिनट। देखो नई नई चीजें आई हैं इस क्वेश्चन में, whose angular diameter is 31 मिनट। क्वेश्चन लिख लिया, दो बार पढ़ डालो जल्दी जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है चाहे जिसका हुआ है। अगर किसी के पास कॉइन है तो बहुत ही मजा आ जाए, मतलब अपना अपना उठा लो, अरे जरूरत नहीं है, रहने दो सीट से खड़े हो जाओगे फिर पागल की तरह, रहने दो, बात में करके देख लेना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है बहुत ही अच्छा, वैसे करते होते हैं छोटे बच्चे, छोटे होते से हम करते आते हैं, वो एक आंख से जब हम लाइट को देखते हैं कुछ दूरी पे अपनी फिंगर को रखेंगे तो लाइट की लेंथ कवर हो जाती है ना पूरी। यस सर, करा होगा छोटे होते भी, बल्ब को जब हम एक आई से देखते हैं थोड़ी सी दूर, आप जब कॉइन को रखोगे पूरे की पूरी बल्ब की लाइट आनी बंद हो जाएगी। यस 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 सर, पंगे लेते होते थे छोटे होते, पता नहीं अब ऑब्जर्वेशन ही है यार आप लोग करते हो कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी की तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अच्छा अब देखो क्या क्वेश्चन है, देखो क्या चीज है, ये कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई at which the coin of 2 centimeter dia, coin of 2 centimeter dia, इसका जो डाया है बच्चों वो दिया हुआ है 2 centimeter, should be held so as to conceal the full moon, यहां पे ये मून होगा, मून कि कितनी दूर आई से हम इसको रखें कि जब यहां से जब हम मून को देखें तो ये मून पूरा पूरा ढक जाए, मून कवर हो जाए, समझ रहे हो ना, मून पूरा पूरा कवर हो जाए, बात समझ रहे हो ना। yes, sir, ये yes, पूरी sir, बड़ी चीज ये छोटी चीज, ऐसे प्रैक्टिकली सच सच बताओ, चलो yes, yes. ये भी कर लेके देख लेते हैं, जैसे ये पूरा मून है, ठीक है, ऐसे पूरा मून है, मैं कितनी सेंटीमीटर दूरी पे इसको रखूं कि वो मेरी आईज से वो सारी चीज कवर हो जाए, क्या हल्का हल्का समझ पा रहे हो। देखो दो सर्कल्स डायरेक्ट, ये टेंजेंट्स होंगी ना, कॉमन टेंजेंट्स, yes, sir. Yes. समझ पा रहे हो। Yes, sir. अच्छा yes, sir. अब ये जो अच्छा जिस बच्चे ने डाउट पूछा था उसको क्वेश्चन समझ आ गया क्या है। yes, sir. अच्छा इन्होंने कहा हुआ है जो ये मून है ना, ये जो ये मून है इसका एंगुलर डायामीटर 31 है, एंगुलर डायामीटर मतलब जो इसका डायामीटर है ना मून का डायामीटर, ये अप्रोक्सीमेट कितना एंगल बना रहा है आई के ऊपर, 31 मिनट, बात समझ रहे ना, 31 मिनट, बात समझ गए। Yes. अच्छा अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द आई, ये वाली चीज निकालनी, ये वाली क्या बता सकते हो, पहले तो इस एंगल को ना किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, रेडियन में, गदो डिग्री में तो हो ही जाएगा, पता ही है डिग्री वाले सिस्टम में तो है ही। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछो। नो सर। नहीं जिसको नहीं है वो रहने दो, जिसको है वो बोलो।
अच्छा इसको 31 मिनट को कन्वर्ट करें, अब पहले तो डिग्री में करेंगे है ना। अब ये कैसे करेंगे, हम कर लिखते हैं एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो एक मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री। 31 मिनट में कितने डिग्री, 31/60 डिग्री, तो 31/60 डिग्री बन गए। ये तो समझ गए डिग्री के बाद। अब इसको बनाते हैं रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में इसको बनाने के लिए वही चाहे तो डी बाय 90 टू आर बाय पाई अप्लाई कर दो। अगर इतना रट्टा नहीं मारते हो तो सीधा सा बात हमें पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, एक डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। 31/60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई बटा 180 इंटू 31/60। देख लो क्या ये बात समझ आई। यस यस। तो 31 पाई बटा ये कितना होता है, 1080 इतने रेडियन एंगल बन रहा है। एक तरह से इसको 31 मिनट बोल लो या फिर ये खतरनाक सा एंगल जो दिख रहा है 3π1080 इतने रेडियन बोल लो। बात एक ही है, बात एक ही है, ये बात क्लियर है। ये और ये बात तो एक ही है, कन्वर्जन यूनिट्स का फर्क है। चाहे 100 मीटर बोल लो, 100 सेंटीमीटर बोल लो, 1 मीटर बोल लो, एक ही बात। अच्छा बट थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर के लिए तो यही थीटा लेना चाहिए था। बात समझ रहे हो ना। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के लिए। अब एल पता ही है हमें, ये 2 सेंटीमीटर। थीटा पता है, ये आर निकल जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। यही तो निकालना था कि कॉइन को कितनी दूर रखें। बात तो समझ रहे हो ना। यस सर। तो भाई निकाल दो। अब एल है 2, आर है सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एल अगर सेंटीमीटर में है। भाई आर निकाल लो, 2 × 1080 / 2 3π। देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आर निकाल लो भाई सारे, वो आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आया कि क्वेश्चन क्या था सबको? तो एक बार एंगुलर डायमीटर का मतलब बता दो। एंगुलर डायमीटर का मतलब जो मून आई पे एंगल बना रहा है वो एंगुलर डायमीटर हो गया मून का। वो डायमीटर ही है ना, वो कर्व सी, वो कर्व सी एंगल बना रही है ना। अप्रोक्सीमेट डायमीटर हो गया ना। नहीं नहीं, एंगुलर डायमीटर का मतलब बेटा ये जो ये कर्व होगी ना, कर्व ये आई पे कितना एंगल बना रही है उसको उन्होंने एंगुलर डायमीटर से डिनोट कर दिया। ओके सर। और बताओ, शुड आई रिपीट दिस क्वेश्चन? बताओ बेटा, खुल के पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। जैसे ही मून के क्वेश्चंस में हमें डायमीटर दिया होता है तो हम उसे ही एल कंसीडर कर लेंगे। हाँ, एल कंसीडर कर लेंगे, वो उतना चलता है। ओके सर। ये रेड पेन वाला क्या रिपीट करूं? अच्छा, ये एंगल समझ आ गया बेटा दिव्यम शर्मा, ये कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ सर? हाँ जी सर, ये रेडियन में 31 पाई नहीं आएगा? 31 पाई आएगा। हाँ yes, 31 पाई आएगा। सॉरी, सबकी आंखें बंद ही हैं। 31। अच्छा दिव्यम शर्मा बता बेटा, ये 31 पाई? L वाला नहीं समझ रहा। कौन से वाला? L को 2 लिए सर, लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली देख, कॉइन की, कॉइन का डायमीटर। अभी के लिए इस चीज को ऐसे मान लिया करो, टाइम के साथ तुम्हें समझ भी आ जाएगा ये धीरे धीरे, ठीक है? ठीक है बच्चों। yes, धीरे धीरे जब तुम फील करने लगोगे ना उस चीजों को तो समझ भी आने लगेंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और बताओ, किसको क्या डाउट है? सर मैं बोलूं? रिक्वेस्ट वही है, हाँ 2 मिनट कि बोलने के बाद म्यूट हो जाया करो मंतेश्वर जी। अगर मैं यही ध्यान रखूं कि कौन अनम्यूट है, मैं तो पागल हो जाऊंगा।
The angles of a triangle are in AP. क्वेश्चन नंबर भी बोल दिया, अगर आसपास ढूंढ लेता हूं फिर मैं। सर एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 है। The angles of triangle are in AP, the number of degree in least, ये वाला? Yes sir. मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए वैसे? Yes sir. सर ये डिस्कशन क्लास अगर कोई बात नहीं। The angles of a triangle are in AP. अच्छा क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये, ऐसे बन जाते हैं पेपर में, लिख लो। द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, अपने नोट्स को हर रोज पढ़ा करो, इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन, इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट is 60 ratio pi. Find the all angles in degree. यही क्वेश्चन है ना बेटा? Yes sir. ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो बस एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार फिर मैं समझाता हूँ। The angles of a triangle are in AP. The number of degrees in the least to the number of radians in the greatest is 60 ratio pi. Find all the angles in degree. ठीक है, अच्छा अब देखो, कहते ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं एपी में है, तीन एंगल्स एपी में है, तीन चीजें सिलेक्शन करने का मतलब ए ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, ये सारे मैंने डिग्री में ही मान लिए, ये सारे मैंने डिग्री में ही मान लिए क्योंकि 180 डिग्री इक्वल रखने की आदत डली हुई है ना। ए बी सी इन सब का सम कितना होगा, इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। देखो डिग्री को डिग्री के इक्वल रख सकते हैं, यहां पे बन गया 3a 180, तो a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स हमारे बन गए 60 माइनस d डिग्री, 60 डिग्री, 60 प्लस d डिग्री। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? नो सर। वेरी गुड। अब ये एंगल्स आने के बाद इन्होंने लाइन क्या दी हुई है, देखो d निकालने के लिए क्या दे दिया, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट जो ये एंगल है इसकी तो ये डिग्री में ही लिए हमने, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये वाला। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा, ये वाला। इसके रेडियंस, इसके रेडियंस कैसे निकालेंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला d by 90 टू आर बटा पाई। यस सर। d पता है 60 प्लस d 90, पाई बटा 2 इधर आ गया, r बन गया, समझ रहे ना। यस सर। ये बन गया 60 प्लस डी इंटू पाई बटा 180। देखो नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, कितनी रेशियो दी हुई है इन दोनों की, 60 बाय पाई। इसको सॉल्व करेंगे डी के लिए, 180 ऊपर जाएगा, ये समझ रहा है बेटा सॉल्विंग। यस सर। पाई पाई कट गया, ये जीरो टिक्की पे कट गई, 180 माइनस 3d 60 प्लस d, ये बनेगा 4d, 180 माइनस 60 120, 4d d आ गया 30। बात समझ आया, d डिग्री में ही आया, ये d हमने डिग्री में ही तो लिया हुआ था सर, पर डिवाइड भी तो किया है रेडियन से, फर्क नहीं पड़ेगा कोई। नहीं नहीं, ये देखना ये एंगल्स हमने किस में माने, a माइनस डी ए ए प्लस डी, डिग्री डिग्री में ही है, सारी चीजें डिग्री में ही चल रही है, डी तो डिग्री में है ना, उसके साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ इसको पूरे को रेडियन बनाने के लिए। ओके सर, ये डाउट था सर बस। डी 30 डिग्री आ गया। ओके सर, थैंक यू। कोई बात, और पूछो भाई डाउट इस चैप्टर में। सर मैं पूछूं? हाँ जी हाँ जी, पूछे सर। 16th क्वेश्चन, 16th एक्सरसाइज में। यस सर। रेलवे ट्रेन ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व। यस सर। वेरी गुड। बुक चेंज नहीं हुई है 10 सालों से, आरडी की शर्मा की बुक। इसको पी जाना बेटा हाथ लगा के, अगर आप कामयाब होना चाहते हो प्लस वन प्लस टू की आरडी शर्मा को अपने साथ लेके सोया करो।
लोगों को लगता है कि ये अच्छी बुक नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों. द रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन द सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस. ये बात समझ रही हो बेटा, एक ट्रेन है जो 1500 मीटर रेडियस के कर्व के ऊपर चल रही है. यस सर. एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. थ्रू विच एंगल हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकंड्स. 10 सेकंड्स में वो कितना एंगल टर्न कर लेगी. अरे बेटा यहां पे मान लो, ठीक है, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी पहले ये बताओ. 66 इनटू 1000 मीटर में हो गया. सेकंड्स में कन्वर्जन कैसे करेंगे. 36 इनटू 60 इनटू 10 स्पीड इनटू टाइम. यस सर. स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आएगा, मानती हो. यस सर. तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में यही वाला आएगा. यस सर. हमें बताना कि वो बस कितना एंगल कवर किया होगा ये वाला. नहीं समझे आप. ओके सर. सर यही नहीं पता चल रहा था कि एंगल कहां से कहां तक बताना है. मैं सर कॉर्ड का एंगल वो करने लग गए. नहीं नहीं, ये जो ट्रेन है कर्व के ऊपर चल रही है ना. यस सर. ठीक है सर, अब हो जाएगा. हाँ मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ. अब बेटा बच्ची ने एक बात बोली है कि कॉर्ड का एंगल वो देखने लगी. काफी बच्चे देखते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है. देखो कोड और वो आर्क का एंगल तो सेंटर पे सेम ही है ना. अब आप मून्स वाले क्वेश्चन में जैसे दिक्कत में करते होते हो भाई, वो डायामीटर बोल लो, जब वो डायामीटर की आर्क बोल लो, वो सेंटर पे एंगल तो सेम ही बना रही है ना. यस सर. नहीं सर, मैं कोड और रेडियस के साथ वाला एंगल करने लग गई थी. अच्छा, अब इसका तो हल नहीं है. ये बात समझ आई वैसे थोड़ी सी. अब वो क्वेश्चन ज्यादा क्लियर कर पाओगे तुम लोग. आगे क्वेश्चन बोलो. एट्थ क्वेश्चन है इसी बुक का. द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन ना बेटा. यस सर. चलो लिखो. द एंगल इन वन, अगर बुक है सबके पास तो ना लिखूं. यस सर. Yes. किसी के पास नहीं है तो वो बोल दो बिना शर्म किए. इज टू डेट अनदर, चलो ये लिख देता हूं, 3:2 एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट is twice that in second. अगर आप doubts को भी अच्छे से करोगे ना तब भी chapter पूरा हो जाएगा. Second. जितनी आप लोग discussion करोगे ना बेटा किसी भी चीज को, मेरा मानना है उतना आप सीखोगे और ईमानदारी से discussion करोगे. Of two polygons. देखो दो polygons हैं. Polygon तो सारे समझते हैं क्या होते हैं. रेगुलर पॉलीगन्स हैं मतलब सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारी साइड्स सेम होंगी, समझ रहे हो ना. अच्छा ये चलो छोटी सी बातें मैं आपको बता देता हूं, वैसे उम्मीद तो करता हूं कि पता होगा. रिमार्क्स में लिख लो. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है. चलो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, 2n-4 × 90 degrees. बात तो वो एक ही है, बस मुझे छोटे होते से ऐसे याद है. अब मैं कोडिंग तो चेंज नहीं करूंगा ना अपनी. 2n-4 × 90 degrees सारे एंगल्स का सम. अगर अब पॉलीगन रेगुलर बन गया, ये हर में लगता है, कनकेव पॉलीगन हो कन्वेक्स हो कोई चक्कर ही नहीं है. अगर अब पॉलीगन रेगुलर हो गया तो हर एंगल सेम हो जाएगा. तो ईच एंगल का मेजर कितना होता है, ईच एंगल का 2n-4 × 90 degrees बटा एन. ये n वही है छोटे वाला ही. n है जहां नंबर ऑफ साइड्स बोल लो, क्योंकि जितनी साइड्स का पॉलीगन होता उतने ही एंगल्स होंगे. नंबर ऑफ साइड्स बोल लो या फिर नंबर ऑफ एंगल्स बोल लो. देखो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा. नंबर ऑफ साइड्स बोल लो, नंबर ऑफ एंगल्स बोल लो. बात समझ रहे हो. और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180. किसी भी पॉइंट पे जब आप खड़े हो गए, जैसे ट्राइंगल है मान लो, एक साइड को प्रोड्यूस किया दूसरी के साथ एंगल, एक्सटीरियर एंगल,
इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज 180, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल में हो, एक साइड को प्रोड्यूस किया दूसरी के साथ एंगल, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज 180। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी को याद है क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 180 वाला कौन था सर? मैंने कल से इंटीरियर सुन लिया। इंटीरियर्स का भी नहीं होता सर 180, तो पॉलीगन की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल का बोला। अरे सर मैंने ट्रायंगल नहीं बोला, मैं अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करता हूं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, और अगर पॉलीगन रेगुलर हो जाए तो हर एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो हर एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360/n। लिख लो इन बातों को अच्छे से, ईच फॉर रेगुलर, ईच फॉर रेगुलर। क्या बात समझ आई सबको? Yes, sir. पहले इतनी बात लिख लेना रिमार्क्स में, पॉलीगन की सारी कहानी कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 2n-490 डिग्री। अगर आप पॉलीगन रेगुलर हो जाए उसका मतलब क्या होता है, हर लेंथ सेम है, मतलब हर एंगल सेम हो गया, तो हर एंगल का मेजर बटा एन करके निकल जाएगा, डिवाइड बाय एन करके, क्योंकि सारे एंगल्स का मेजर सेम है, x plus x up to n times। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, या नंबर ऑफ एंगल्स, एक ही बात है। फिर सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 किसी भी पॉलीगन में। अब अगर पॉलीगन रेगुलर हो जाए तो हर एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं 360/n करके। फिर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा 180 होता है। इंटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है, एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है, इतना तो बेसिक मैथ हमें आनी चाहिए। जो फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चे होते हैं वो करते हैं, ये शायद करते ही होंगे वैसे। ये आता है किसी क्लास में छोटे होते हैं? एट क्लास में आता है, सेवेंथ एट्थ में आता है। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत बस 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 बस, सेवेंथ एट्थ में तो क्या अकल थी तुम्हें, तो अब सीख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कहता है द एंगल्स, सर ट्वेल्थ बता दो सर प्लीज, ट्वेल्थ भी बता देते हैं यार, प्लीज बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ ट्वेल्थ भी, पहले ये तो कर ले। अब द एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है टू डेट ऑफ अनदर, फर्स्ट वाले पॉलीगन का एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल 2n1-4 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n1। अगर पहले की साइड्स n1 है, सेकंड वाले पॉलीगन का हर इंटीरियर एंगल कितना होगा 2n2-4 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n2। समझ रहे हो कि नहीं? ईच इंटीरियर एंगल, प्रभ सिमरन समझ आ रहा है? यस सर, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, पहला तो इन्होंने यही दे दिया कि दोनों की रेशो कितनी है, कर लो गो, मैंने पेपर नहीं देना, तुम लोगों ने देना है 3/2। क्या बात समझ आई, 3/2, एक इक्वेशन तो यहां से बन गई, एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। यस सर, इन्होंने पूछा क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड्स इन द सेकंड, क्या दे दिया इसका मतलब बताओगे? n1 = 2 times n2, वेरी गुड, क्योंकि जितनी अगर साइड्स डबल हैं तो एंगल्स भी डबल ही होंगे। n1 को नंबर ऑफ साइड्स बोल लो, नंबर ऑफ एंगल्स बोल लो, एक ही बात है। दूसरी इक्वेशन ये दे दी भाई, दोनों को कर लो सॉल्व, n1 n2 आ जाएगा, दो लीनियर इक्वेशन, समझ आया कि नहीं? यस सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पूछो, ट्वेल्थ कर ले यार भाई, ट्वेल्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का बेटा। यस सर, फाइंड द लेंथ व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5280 विल सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 radian एट द आई, ये वाला। यस सर, यार मैं ना देख
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो ट्वेल्थ वाला. फाइंड द लेंथ विच एट द डिस्टेंस ऑफ आई से कितने डिस्टेंस पे है वो लेंथ 5280. सेंटर पे कितना एंगल बना रही है आई के, आई पे कितना एंगल बना रही है 1 मिनट. ये लेंथ निकालनी है यार. यार तुम लोग मेरा मतलब गोली डालते हो क्या, मुझे खींचने टाइप चीज तो नहीं करते? हो तो जाएगा, हो जाने में तो दिक्कत ही नहीं है. दिव्यम जी आपने पूछा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां पे एक्चुअल में, कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा. एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, इजंट इट? अच्छा, सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए, इस 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो. एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री वो छोटे बच्चे करते हैं ना, तो 1 मिनट में इतने डिग्री आ गए. अच्छा, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो. 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होते हैं. 1/60 में कितने रेडियन होंगे, पाई बटा 180 इंटू 1/60. सारा का सारा गेम यहीं पे था. प्रभ सिमरन समझ आ रहे हैं? यस सर. दिव्यांशी यस पढ़ती हो? बताओ मैथ में इंटरेस्ट लूज तो नहीं हो रहा? पढ़ लो बेटा, सच बता रहा हूं, पढ़ लो. टीचर की तरह नहीं, एक भाई की तरह समझा रहा हूं, पढ़ लो, शायद फायदा हो जाएगा पढ़ने से बहुत ज्यादा. विश्वास करो मुझे, बोल के क्या ही मिलेगा, है ना? तुम्हारे मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं दिव्यांशी. थीटा इक्वल्स टू L/R लगाओ भाई, L निकल जाएगा. कर लोगे? यस सर. यस सर. चलो अगला डाउट सर. 13th क्वेश्चन पढ़ो भाई सारे. अ व्हील 360 रेवोल्यूशन पर मिनट पे चल रहा है, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड. तेरी ओए, एक पहिया घूम रहा है, देखो जल्दी. 360 रेवोल्यूशन मार रहा है 1 मिनट में. सीधी सी बात है, 60 मिनट में, 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन चल रहे हैं? 360 रेवोल्यूशन घूम रहे 360 बार. बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर. यस सर. 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा होगा? 6 बार. भाई कार की स्पीड हम रेवोल्यूशन RPM में निकालते हैं ना, सुना होगा? यस सर. थोड़ा बहुत ना यार, जब गेम खेलते हो फोन पे तो थोड़ा ध्यान दिया करो चीजों को. अगर उस पे भी बहुत कुछ है सीखने को तुम्हें पता है, बट हमें शो और ही करना होता है. 6 सर्कल्स मार रहा है 1 सेकंड में, 6 बार घूम रहा है वो, तो कितने रेडियन एंगल बना रहा होगा पुत्र, बता. 12 है. 12 पाई तो ठीक है, हाँ सही है. 1 रेवोल्यूशन पे कितना एंगल कवर हो गया, 2 पाई. 6 रेवोल्यूशन पे कितना हो गया, 12. 6. मेरे हिसाब से तो ये आंसर बनेगा यार, देख लो इस फॉर्म में. बहुत टाइम पहले किए थे ये क्वेश्चन मैंने, मतलब जब आपकी एज में था, उसके बाद किसी ने पूछे ही नहीं. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये सारे. RD को कर लेना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की. चलो ये बताओ और डाउट इस चैप्टर में. खुल के पूछ लो, देखो खुल के, कोई शर्म मत करो. ज्यादा से ज्यादा मैं बोल ही दूंगा कुछ, फिर क्या हो गया. बताओ खत्म करें फिर ये चैप्टर. यस सर. मंतेश्वर एक बार स्क्रीनशॉट ले अभी, और उसी को फाइनल अटेंडेंस रखेंगे. 61 बच्चे हैं,
मतलब तुम लोग 60 हो, मैं 60 फर्स्ट. स्टार्टिंग में 66 थे. ये देखूं मैं क्या चल रहा है. नहीं पढ़ना हट जाओ यार. क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे खराब करते हो? कोई YouTube का चैनल तो है नहीं कि फ्री में लग रही है क्लासेस. अच्छा, अब पांचवा चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइजेस में डाउट्स बताओ. सिर्फ एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूं. 5.1 में खुल के पूछो, खुल के सारे अपना अपना. अच्छे क्वेश्चन आई, डाउट आए होंगे अगर काम किया होगा तो. अरे एग्जांपल से ले सकते हैं. मैंने कहा अभी तुझे क्या कहा है? एक्सरसाइज. तो तू गधा है? मैं तुझे कहा भाई वो भी करवाऊंगा मैंने यार. कोई ऐसी चीज जो आज तक तुझे छुड़ाई है? तो इतने सालों से है मेरे साथ. तो रुक जा, सबर कर ले. अच्छा 22वां क्वेश्चन है पुत्र. दाता नूर मेरी बुक में 22वां ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एम. नहीं मेरी वाली में कॉट एक्स 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 एम. तो मिनट फिर रुक जा, ये नहीं अपनी बुक में कहीं. तो क्वेश्चन नहीं बोल दे यार. यस क्वेश्चन बोल. कॉट एक्स ब्रैकेट 1 कॉट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 एम. ठीक है. उसके बाद कॉट एक्स ठीक है ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स ठीक है इज इक्वल टू 4 एम. ठीक है. प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to mn. ठीक है चलो भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक टारगेट है, हमें इसको हिट करना. ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें टू प्रूफ करना है. बात समझ गए ना? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनाएंगे थोड़ी थोड़ी, हो जाएगा. किड्डी कोखी गल है. चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूं. इसको लिखता हूं cos x by sin x. इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स, या फिर इसको ऐसे ही लिख ही रखें अभी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दें. सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, कॉट एक्स ही लिख रखता हूं. ठीक है, इसको कॉट एक्स ही लिख ही रखते हैं, या फिर इसको अगर नहीं लिखना चाहते तो ऐसे करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर चीजों को मल्टीप्लाई कर लो, अंदर चीजों को मल्टीप्लाई कर लो. ये क्या बनेगा? cos x by sin x plus cos x. समझ रहे हो ना? ये बन गया cot x plus cos x. बस कुछ नहीं, cot x को अंदर मल्टीप्लाई की है. ये 4m है. इसकी स्केयरिंग करो, सब्ट्रैक्शन करो जल्दी. 4m square minus 4n square निकालो. जल्दी जल्दी करो. यहां पे बनेगा 16m square. ये बनेगा cot square x cos square x plus 2 cot x cos x. और दूसरी इक्वेशन में 16n square cot square x plus cos square x minus 2 cot x cos x. क्या समझ आया? Yes sir. सारे very good इशिता. अब 16m square minus 16n square देखो क्या बना होगा. करो बेटा, इजी है. ये बनेगा हमारे पास 4 cot x cos x, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या बन गया? cot x cos x बटा 4. देखो सारे ध्यान से, ये बन गया. जल्दी जल्दी एनर्जी लगाओ पूरी. यस सर. स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन मार के ये बन गया होगा. अच्छा अब m into n भी थोड़ा देख लो क्या है. m into n क्या है? cot square x into, देखो ध्यान से, cos square x
ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और उधर 16 बना होगा, 16 डिवाइड कर रहा हूं एम इंटू एन, ये बात समझ आया? कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर ध्यान दे प्रभ सिमरन, ए प्लस बी ए माइनस बी, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, चार इंटू चार 16, वो 16 डिवाइड में आ गया, तेज बनो थोड़ा, अब सोच के देखो क्या इसका स्क्वायर करने पे यही नहीं बन जाएगा? यस सर, बताओ गदों, समझ आ गया कि नहीं? यस सर, सभी को? यस सर, गुड, प्रूफ हो गया, ठीक है बिदतनूर? यस सर, अगला क्वेश्चन बताइए सर, 13, इसी का 13 भाई बोली दे फिर मेरी बुक थोड़ी, 1 प्लस टेन अल्फा इनटू टेन बीटा का होल स्क्वायर, तू जू में बैठा हुए? नो सर, अच्छा, प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल स्क्वायर, करूं क्या? प्रूफ, टू प्रूफ करना? Yes, sir. अच्छा चलो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, एक टारगेट है, हिट करो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड बनती है क्या। सॉरी, क्या करें, स्केयर्स खोल दो, आगे की तरफ तो बढ़ो, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टू टेन अल्फा टेन बीटा, इसका भी खोल देते हैं प्लस में, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस टू टेन अल्फा टेन बीटा, जब अब ऐड होंगे तो कुछ ये चीजें आपको कटती दिख रही होंगी, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, मैं तो कह रहा हूं बन गया, कॉमन ही निकाल लें। यस सर, यहां तक समझ आया बेटा सबको? स्क्वायर्स खोल लें, स्क्वायर्स खोल लें, देखो समझ आ गया, अगर दिमाग लगाओगे तो आ गया होगा। अच्छा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लो, इन टर्म्स को साथ में रख लो, फैक्टराइजेशन ही करनी है, दिख रही होगी ये तो, टेन स्क्वायर अल्फा, देखो इन दोनों को साथ में रख रहा हूं, टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकल गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बच गया, अब ये में से कॉमन निकल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा सेकेंड स्क्वायर बीटा सेकेंड स्क्वायर अल्फा हो गया यार, क्या समझ आया? यस यस, दिमाग वाली बात है बस ये फैक्टराइजेशन। देखो बेटा सारे, क्लियर है? डन 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 डन। यस सर। अच्छे से? यस सर। गुड, अगला क्वेश्चन, देखो थोड़े जल्दी पूछ लिया करो ना। हाँ हाँ बोल बोल, डरा मत करे यार। 23rd करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन ही बोल दे एक बार हल्का सा। सर tan square theta is equal to 1 minus e square, ये वाला है। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी बुक में भी है ये तो, 23rd ही है। tan square theta 1 minus e square है भाई, ठीक है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत बन जाती है कभी कभी सर। हाँ ये क्वेश्चन बुक में है नहीं। यस सर, हमारी बुक में। यस सर, तो मैं लिख तो रहा हूँ गदो, अब तो कर लो, मैंने कब कहा है तुम्हारी बुक में होना जरूरी है, फिर तो है कि मैं क्वेश्चन आधा लिख रहा हूँ, अब बुक में नहीं है, इसमें थोड़ी दिमाग की कमी है क्या तुम लोगों में? ये गिवन है, ये टू प्रूफ करने,
चलो अब देख लेता हूं, अब कर लो, अब रंग लगा लो। ये गिवन है भाई, ये टू प्रूफ करना है। चलो भी इशिता, क्या तुम्हारी बुक में है इशिता? नो सर। क्या बात कर रही हो, नहीं ली होगी तुमने? यस सर। नहीं, बुक में कम है ना क्वेश्चन। स्नेहा तुम्हारी बुक में है? सो मेरे पास बुक नहीं है। क्या बात कर रही हो सर, बट जो आपने मतलब टेलीग्राम पे भेजा था मैंने उससे कर लिए थे क्वेश्चंस। क्या भेजा था टेलीग्राम पे सर? वो आरडी शर्मा की आपने पीडीएफ नहीं भेजी थी? बेटा बुक लो, ये बुक हमारे पास होनी चाहिए हार्ड कॉपी में, जल्दी से जल्दी। ओके सर। ठीक है, तुम एक अच्छी बच्ची हो। ये कंप्यूटर पे पता नहीं, मुझसे नहीं पढ़ा जाता पर्सनली, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं बुक्स के साथ पढ़ पाता हूँ। ठीक है। अच्छा विभा शिमला, बेटा मार्क्स कम आ रहे हैं तुम्हारे, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे ये बताओ, समझने में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं बताओ शिमला मैम, तो कहीं प्रॉब्लम है विभा, बताओ बेटा खुल के बताना मुझे। ठीक है, मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। ठीक है। ओके सर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ विभा कुछ ज्यादा ही तुमसे, बट वो पीछे है तुम्हारा रैंक, मैं कल स्टैट्स निकलवाए थे सारे, वो देख रहा था तो पीछे चल रहा है काम। ठीक है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही, तुम्हारे पास बुक तो है ना विभा? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, हुआ किसी का? यस सर। यस सर। इसको थोड़ा सिंपल बना लो, अगर ज्यादा दिक्कत है इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना लो। कैसे? इसको लिख लो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, इसको लिख लो 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं, ये बच गया 1 बाई कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? कॉस की क्यूब थीटा एलसीएम आएगा, यहां पे जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, एलसीएम एलसीएम तो लेना आता है ना। ये बनेगा 1 बाई कॉस क्यूब थीटा, ये बन गया सीकेंट क्यूब थीटा। पहले तो यहां तक पहुंच जाओ, क्या सबको यहां तक बना कुछ के नहीं बना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन्होंने टेन स्केयर दिया हुआ था, टेन स्केयर सीकेंट स्केयर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्केयर। यस सर। 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, और मुझे यही चाहिए 1 प्लस 1 माइनस ई स्केयर 2 माइनस ई स्केयर, ये सीकेंट स्केयर है, और मुझे 3 पावर चाहिए तो कैसे बनेगी? 2 माइनस ई स्केयर की पावर 1 बाई 2, ये सीकेंट थीटा बन गया, और सीकेंट थीटा की जब क्यूब करोगे दोनों तरफ 2 माइनस ई स्केयर की पावर 3 बाई 2। देखो क्या समझ आया? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। मलिका? यस सर। तुम क्लास लगाती हो ना? यस सर। रैंक पीछे चल रहा है? मुझे मम्मा को फोन ना करना पड़े, तुम थोड़ा ध्यान देना अच्छा इस बात को, तुम समझ गई? यस सर। गुड। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस। अब सिमरन क्लियर है ना? यस सर। आगे बोल लो डाउट। 21st बोल दे भाई एक बार, 21st क्वेश्चन क्या है? तो सेम ही आपके और मेरी बुक का वही होगा, तो secant theta minus sin theta is equal to a cube। नहीं भाई सेम नहीं है। अच्छा, तो secant theta minus sin theta is equal to a cube। मिल गया मिल गया। 19th क्वेश्चन है आपके।
कोसिकेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब. चलो भी क्वेश्चन लिखो, एक टारगेट है हमारे पास, सिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी क्यूब, और हमें प्रूफ करना है ए स्केयर बी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर वन है. ठीक है ना बात, ये प्रूफ करना है. क्या करें भाई, मैं तो कह रहा हूं हो गया ही समझो. देखो कैसे, चलो लेफ्ट हैंड साइड तो है ही है जो है, इसको थोड़ा और अच्छा बना ले. इसको इसको ऐसे लिखो, वन बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब. इसको लिखो वन माइनस साइन स्केयर थीटा. एलसीएम लेने के बाद जल्दी आ चलाओ, ए क्यूब. इसको ऐसे लिखो कॉस स्केयर थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब. इसको ऐसे लिखो ए इज इक्वल टू कॉस की पावर टू बाई थ्री थीटा साइन की पावर वन बाई थ्री थीटा. क्या ये समझ आया ए? यस सर. अब मुझे बी बताओ कितना आएगा सिमिलर प्रोसेस से. अगर आप ऑरली देख पाओ तो ये आएगा मेरे. अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाओ फास्ट वे में, और एक इंजीनियर को फास्ट होना चाहिए, वन बाय कॉस वन माइन, फिर वो एलसीएम लेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, फिर उसकी पावर थ्री करेंगे साइन की पावर टू बाई थ्री कॉस की पावर वन बाई थ्री. क्या बात समझ आई? यस सर. अब लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी रख दो, प्रूफ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है. यस सर. ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, पहले इसको ऐसे बना लो, ए की फोर बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर बी का फोर लेफ्ट हैंड साइड को. अब ए की पावर फोर करनी है तो कर लोगे यार? यस कर लोगे. ये काम तो कर लेंगे सारे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल के लिए जो आपका होमवर्क है, कल के लिए जो आपका होमवर्क है, आपको अपने आप खुद से सेवंथ चैप्टर खोलना है बुक का. सेवंथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स. देखो सबकी बुक में है. यस सर. मैं तो करवाऊंगा ही. इसमें से 30 क्वेश्चंस करने हैं. कर लोगे? कोई भी 30 कर ले. यस सर. यस सर. यस सर. और बात समझ लो बेटा, सॉल्यूशन कभी मत पढ़ना. अगर आपको सक्सीड होना है, ना इंटरनेट से ना एग्जांपल का सॉल्यूशन. मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, वो एक अलग बात होगी. सॉल्यूशन मत देखना. मैं कह रहा हूं क्वेश्चन चाहे 30 के 30 ही ना आओ, कोई बात नहीं है, वो भी हमारी ग्रोथ है. बट जिस दिन सॉल्यूशन आपने देख लिया, वहीं पे खत्म हो जाओगे. वो अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लग जाएगा जब रैंक आएगा. ठीक है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखाया ना, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, जिन सब लोगों ने वो लिखे हैं, जो उनको पहले आप लिखोगे दोबारा, ये होमवर्क है, उनको याद करोगे लिखोगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. और हम कल उस चैप्टर को स्टार्ट भी करेंगे खुद से, कोई बात नहीं है. ये करोगे ना काम मन से? देखते क्या बनता है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं. ट्राई करना इंपॉर्टेंट है. ट्राई करना, किसी की चीज के साथ फाइट करना इंपॉर्टेंट है. हार जीत तो हमारे हाथ में होती नहीं है,